बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शहर के महिला जिला अस्पताल में बेटियों का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। बेटियों के मुकाबले बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी, जन्म संबंधी भ्रांतियों को खत्म करने का अभियान पूरे वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए चलाया जाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आम लोगों के बीच गर्भ में पल रही कन्या भ्रूण की हत्या, बेटियों के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक भेदभाव को खत्म करना है। जन्मोत्सव कार्यक्रम में केक एवं गिफ्ट के वितरण के जरिए एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम है क्या है, केक काटा जा रहा है, गिफ्ट बांटे जा रहे हैं? वैसे सभी को पता है कि जो बेटियों का और बच्चों का, बेटों का जो जन्म का रेशियो है वो बेटों की अपेक्षा कम है, तो उसी के क्रम में हम लोग सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लोगों को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है, उनको भी जन्म इस धरती पे आने का मौका दीजिए और उनको भी आगे पढ़ाइए कि जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और देश का भी नाम बढ़ाएं और आपका भी मान बढ़ाएं और हमारा जो रेशियो जो कम होता जा रहा है उसको भी लेवल पे आने का मौका मिले। ये सब बेटियों को पढ़ाने के कार्यक्रम में क्या अवसर है, केक काटे जा रहे हैं, गिफ्ट बांटे जा रहे हैं? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चल रहा है तो उसी के तहत यहाँ पे बेटियों की जो संख्या कम हो रही है उस हिसाब से यहाँ पे केक काटा जा रहा है और जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, सार्वजनिक जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, घर में तो सब मनाते हैं, उसी को देखते हुए यहाँ पे केक काटा गया और अस्पताल में जितनी भी आज बच्चियाँ का जन्म हुआ है उनका जन्मोत्सव एक साथ मनाया गया है। आगे क्या रूपरेखा है कार्यक्रम की? इसको बाकायदा हर यहाँ जिले लेवल पे हर ब्लॉक में हर उसमें आज शुभारंभ हुआ है, इसके बाद हर उसमें होगा, PCS में सब में जगह होगा।